हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटायर साइंस। सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड अबाउट वर्क। नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जनरली व्हेन वी हैव टू डू एनी वर्क वी रिक्वायर सम एनर्जी एंड द रेट ऑफ डूइंग दैट वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ दैट एनर्जी इज नोन एज पावर। तो जनरली पावर होता क्या है, वो होता है P इक्वल टू W अपॉन T। मतलब जितना वर्क डन हम लोग करेंगे उतना हम लोग पावर के थ्रू उसको करेंगे, और पावर को गेट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी लगेगी। इनडायरेक्टली अगर बोलूं तो कोई भी वर्क बिना एनर्जी के नहीं हो सकता। कुछ एनर्जी वहां पे क्या होगी, यूज होगी, और जो एनर्जी यूज होगी टाइम के साथ और वर्क जो होगा टाइम के साथ, दैट इज नोन एज पावर। SI यूनिट होती है पावर की, दैट इज वॉट, और 1 वॉट होता है हमारे पास 1 जूल सेकंड इनवर्स। अगर 1 जूल को हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो कितना होता है, दैट इज इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड द पावर स्पेंट इज सेट टू बी 1 वॉट। मतलब 1 सेकंड में जो वर्क होगा, जो उसके लिए पावर स्पेंट होगी, वो होगी 1 वॉट की। पावर किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क डन बाय द सोर्स। मतलब अमाउंट ऑफ वर्क कितना किया गया है वो डिपेंड करेगा कि पावर कितनी यूज की गई है। दूसरा टाइम पे, कितना ज्यादा टाइम हम लोग ले रहे हैं उस वर्क को करने के लिए, वो ये मैटर डिसाइड करेगा कि कितना पावर यूज हुआ है। यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं। मान लो एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। अब इन दोनों ने क्या किया, वर्क स्टार्ट किया। तो ए पर्सन और जो बी पर्सन है, दोनों ने जब वर्क स्टार्ट किया तो ए ने उसको 15 मिनट्स में कंप्लीट किया और बी ने उसी वर्क को, सेम वर्क को 10 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया। तो जब वो 10 मिनट्स में इसको कंप्लीट करेगा, इसका मतलब क्या है कि उसने बहुत ज्यादा पावर यूज करके 5 मिनट्स पहले ही क्या कर दिया, वर्क को कंप्लीट कर दिया। तो जनरली अगर मैं बात करूं डेली लाइफ के एग्जांपल्स में, तो हम लोगों को अगर कोई काम हाफ एन आवर का 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो वी नीड सम मोर पावर टू कंप्लीट दैट वर्क। और वर्क और पावर इसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट होते हैं। अब अगर मैं पावर को कैलकुलेट करने को यूज करता हूं, तो पीछे मैंने बताया पावर यूज, पावर को कैलकुलेट हम लोग यूनिट में करते हैं वॉट में। अगर पावर बहुत ज्यादा हो तो वो होती है किलोवाट के थ्रू, और अगर उससे भी ज्यादा हो तो वो होती है हमारे पास मेगावाट और गीगावाट। किलोवाट जनरली हम लोग यूज करते हैं अपने मीटर्स में, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग मेजर करते हैं, या किलोवाट अप्लायंसेस भी आते हैं जो एनर्जी यूज करते हैं, तो वो किलोवाट में हम लोग मेजर करते हैं। मेगावाट में इलेक्ट्रिसिटी और गीगावाट में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कोई भी वर्क डन हम लोग मेगावाट और गीगावाट में डेली लाइफ में नहीं करते हैं। अगर मैं अपनी बॉडी के थ्रू बताऊं तो एनर्जी इतनी हम लोग रिलीज नहीं कर सकते हैं कि वो गीगावाट या मेगावाट में रिलीज हो। तो 1 किलोवाट की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर 3 वॉट, और 1 मेगावाट होता है 10 टू द पावर 6 वॉट, और 1 गीगावाट होता है 10 टू द पावर 9 वॉट। अगर स्मॉलर यूनिट की बात करते हैं, पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। जनरली हम लोग पावर के बारे में थोड़ा सा मिसगाइडेड है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग सिर्फ पावर समझते हैं। नहीं, हम लोग जो काम करते हैं उसके लिए भी हमें कुछ पावर की नीड होती है, तो वो हमारी बॉडी हमें प्रोवाइड करता है, बट हम लोग उसको मेजर नहीं करते। तो उसको हम लोग मेजर करने के लिए किलो कैलोरीज यूज करते हैं, बट वो एक वे है बॉडी की पावर को गेट करने का। बट जो हम लोग पावर के लिए नोन है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए नोन है ज्यादा। तो किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट ये बहुत रेयरली टर्म्स हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में सुनेंगे, बट इलेक्ट्रिसिटी की जब बात की जाती है तो वहां पे किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो अगर मैं बहुत स्मॉलर यूनिट्स में बात करता हूं, जैसे मिलीवाट, तो मिलीवाट और माइक्रोवाट वो यूनिट होती है जिसमें हमारे वॉच की जो सेल्स होते हैं वो काम करते हैं। मतलब जो बैटरी होती है हमारे वॉच के अंदर या कोई टॉय के अंदर, जो छोटी बैटरीज होती हैं उनमें मिलीवाट और माइक्रोवाट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे वो वर्क करते हैं। तो 1 मिलीवाट की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 10 टू द पावर -3 वॉट, और 1 माइक्रोवाट की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -6 वॉट। अगर CGS सिस्टम में पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वो अर्थ में करते हैं, दैट इज ERG सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास यूनिट्स हैं पावर के जिनमें हम लोग उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर एक पावर की मैं बात करूं तो सबसे कॉमन एक टर्म है जो हॉर्स पावर कहलाता है। ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, जनरली ये रेसिंग से रिलेट कर दिया जाता है कि कार जो होती है रेसिंग्स की, उनको हम लोग बोलते हैं 1 HP है, 2 HP है। तो इंजन को हम लोग हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। ये हॉर्स पावर आया कहाँ से, हॉर्स पावर ये आया यहां से, जब हम लोग कार्ट्स यूज करते थे जिसको हम लोग हॉर्स कार्ट होता,
तो हॉर्स कार्ट में एक हॉर्स दो हॉर्स जो होते थे वो जो एनर्जी यूज करते थे उस कार्ट को चलाने के लिए, तो वो उनकी पावर से मेजर किया जाता था। तो एक साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि बहुत सारे हॉर्सेस को उन लोगों ने ट्रायल के थ्रू में मेजर किया और उन्होंने देखा कि हर एक हॉर्स जो वर्क कर रहा है और एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उससे, दैट इज इक्वल टू 746 वॉट। इसी रीजन से वजह से हम लोग क्या आज भी यूज करते हैं, दैट इज 746 वॉट इज इक्वल टू 1 HP। अब 1 HP में हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो बहुत सारी चीजों का करते हैं, जैसे कि मोटर की पावर के बारे में बात करते हैं कि 1 HP की है 2 HP की है। घर में जो समरसेबल होता है वहां पे ये 1 HP 2 HP है, ऐसी मोटर्स जो होती हैं जो कि समर लिफ्टिंग के लिए वाटर की लिफ्टमेंट में काम आती हैं। और मशीन्स के जो इंजन्स होते हैं वो भी हॉर्स पावर में मेजर किए जाते हैं कि वो कितना ज्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेंगे, रेसिंग कार्स की बात कर रहा हूं। और अगर किलोवाट में इसको चेंज कर लोगे तो वो आएगा 0.746 किलोवाट। अब यहां पे अगर मैं फोर्स को रिलेट करना चाहता हूं पावर के थ्रू, तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, उसको देखते हैं। दैट इज इफ F acting on a body, मान लेते हैं फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा हो और उसका डिस्टेंस कितना हो, दैट इज S on the direction of force, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है और उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस वो गेट करे, और टाइम उसको कितना लगे ये करने के लिए T। देन जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो हमें बहुत अच्छे से पता है, W equal to F into S। पर पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W upon T। तो इफ वी कैप द वैल्यू ऑफ W, दैट इज F into S, तो ये बन जाएगा F into S upon T। और S upon T मतलब कि स्पीड into डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड, जिसको V से यहां पे नोटेट कर सकते हैं। तो पावर इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूले में, दैट इज फोर्स into, तो यहां पे देखो S upon T को किससे रिप्लेस कर देंगे, दैट इज V से। तो P इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी F into V। और ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है पावर और फोर्स के रिलेशन में। तो P इक्वल टू कितना होता है अगर फोर्स के साथ उसको रिलेट करके देखा जाए, दैट इज P इक्वल टू F into V।